हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से आपके अपने चैनल बी टू बी बिजनेसिस में। दोस्तों, जैसे कि पिछले कई टाइम से लोहे के स्क्रैप के रेटों में लगातार गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि काफ़ी नुकसान दे रहा था लोहे कारोबारियों को। पर अब ऐसा टाइम आया कि लोहे के अंदर रिकवरी देखी जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे और बात करेंगे कि आज मार्केट खुलने से पहले क्या रह सकते हैं आज के स्क्रैप के भाव और इंगट के भाव, और साथ ही बात करेंगे पिछले बीते दिन कैसा रहा लोहे मंडी के अंदर कामकाज, मेटल मार्केट के अंदर कामकाज और सरिया मार्केट के अंदर कामकाज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि आपके स्किप करने से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे छूट सकती है। जो स्क्रैप पर काम करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही वैल्यूबल है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पिछले बीते दिन मंडी गोविंदगढ़ में कैसा रहा कामकाज। मंडी गोविंदगढ़ में पिछले बीते दिन हल्की सी गिरावट के साथ कामकाज देखा गया। पूरे दिन कामकाज के बाद जो इंगट का आखिरी रेट, जो क्लोजिंग रेट रहा, वो 300 रुपये की गिरावट के साथ 47,800 रुपये प्रति टन रहा। और वहीं दोस्तों, स्क्रैप की बात करें तो स्क्रैप के अंदर भी सेम 300 रुपये की गिरावट पे आकर मार्केट क्लोज हो गया। और जो स्क्रैप का आखिरी रेट, लास्ट रेट रहा मंडी का, वो 37,800 रुपये प्रति टन रहा। फिलहाल जो ट्रेंड है स्क्रैप का काफ़ी हाई है, तो संभावना है कि मार्केट और तेजी दिखाएगी। तो चलिए दोस्तों, मेन टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं आज के मार्केट खुलने से पहले क्या रह सकते हैं आज के इंगट और स्क्रैप के भाव। तो चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात करते हैं आज के इंगट के बारे में। अगर मार्केट में आज गिरावट देखी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये तक की गिरावट आ सकती है, होता है मार्केट में दोस्तों। तो 47,400 रुपये प्रति टन तक आगे मार्केट रह सकती है, क्लोज हो सकती है। और वहीं अगर मार्केट में तेजी आती है, वैसे संभावना तो है कि मार्केट में तेजी देखी जाएगी, और अगर मार्केट में होता है कि मार्केट में तेजी आती है आज, तो पूरे 600 रुपये तक के इंगट के अंदर तेजी देखी जा सकती है आज के डेट में। और ऐसा होता है मार्केट में तो जो इंगट के भाव पहुंच सकते हैं वो है 48,400 रुपये प्रति टन। तो दोस्तों, इंगट की बात तो हमने कर लिया, बात करते हैं स्क्रैप की, लोहा मंडी के बारे में, स्क्रैप मंडी के बारे में। स्क्रैप मंडी की बात करें कि अगर मार्केट में आज गिरावट देखी जाती है तो कितने रुपए तक की गिरावट आ सकती है और क्या रेट रह सकते हैं आज के। तो दोस्तों, स्क्रैप के अंदर अगर गिरावट देखी जाती है मार्केट के अंदर, तो 500 रुपये तक की गिरावट आ सकती है। और अगर ऐसा होता है, आती है गिरावट आज के लोहा मंडी के अंदर, तो जो वो आशंका है वो 37,300 रुपये पे आके टिक सकते हैं। और वहीं बात करें कि मार्केट के अंदर उछाल आता है तो पूरे 700 रुपये तक की संभावना है कि 700 रुपये तक का उछाल देखा जा सकता है आज की डेट में मंडी के अंदर। और ऐसा होता है तो जो स्क्रैप के भाव हैं वो 38,500 रुपये पर आकर या उससे ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेटल मार्केट के बारे में। तो मेटल मार्केट के में पिछले बीते दिन भी मुनाफा वसूली दिखी गई, उसका अभी जो ट्रेंड है वो साइडवे है। और सरिया मार्केट के बारे में बात करें तो सरिया में जो ब्रांडेड सरिया कंपनियां हैं उनके अंदर कल हल्की फुल्की सी गिरावट दिखी गई, पर संभावना उसमें भी है कि मार्केट आगे तेजी दिखाएगी। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो से पता लगेगा आपके काम करने का तरीका। दोस्तों, वीडियो में एंड करने से पहले, अगर आपको भी चाहिए हर रोज के लाइव रेट, आपको भी जानने हैं स्क्रैप, TMT, इंगट, न्यूज़पेपर, गत्ता इत्यादि मेटलों के, कॉपर, एल्यूमिनियम, पीतल इत्यादि मेटलों के ताजे भाव, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें हेलो लिखकर भेज दीजिए। और अगर आपको जानने हर रोज की प्रिडिक्शन सर्विस जो हम यूट्यूब पे आपको बता रहे हैं, या आपको हर रोज रेगुलर चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें प्रिडिक्शन सर्विस लिखकर सेंड कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो में लेते हैं हम अलविदा, फिर से आएंगे एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों बने रहिए। B2B बिजनेस जो रखे मार्केट में आपको सबसे आगे।